यात्रीगण कृपया ध्यान, बहुत दिन हो गए हैं तो मजा नहीं आ रहा है, हम करते हैं प्रबंध। राशन कार्ड बना माओ झाड़ू वाला माओ मोदी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, लोकसभा चुनाव में किसको देख रही हैं आप, झाड़ू कमल या पांजा या कोई और? इस बार के लोग वोट कमल को दू ना, झाड़ू वाले को दू, मेरा नाम ही राशन कार्ड बना माओ झाड़ू वाला माओ मोदी। हाँ क्या है भाई साहब, इतना इन्हें खाली टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी जो है ना बाबा का अनभक्तों का, अब बीजेपी के कुछ पार्टी के लेने वाले हैं भाई साहब, तो अपनी कुर्सी की पेटी संभाल के रखिएगा, काहे कि आज की वीडियो में मजा तो अभी करता है हर दिन, और आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही मजा आने वाला है। बस वीडियो थोड़ा लंबा होता है, आप लोगों को पता है 8 मिनट तक कब हो सकता है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। हेलो, और जोर से बोलो, वहाँ से आवाज, अभी हमारी मम्मी आए, इसमें नींद नहीं आती, पूरी रात बात मतलब कर। भाई साहब, बाबा भी अपनी टाइम के नछिन रिवाज आदमी थे। अब आप ही बताइए, जब कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करे रहेगा, ऐसा काम नहीं करे रहेगा, तो उसको इतना नॉलेज कहाँ से आ जाएगा। गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नींद नहीं आएगी। मतलब ये सब करके जो है ना बाबा बैठे हुए हैं भाई साहब। आपको हम देखते हैं तो एकदम सोचते हैं कि इतना बच्चा, इतना छोटे बच्चे, इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे लेकर चलते हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं। आपको देखते हैं तो एकदम बच्चा के समान दिखते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, आपको मन करता है कि हम खिलाएं, ऐसा लगता है एकदम गोलू मोलू दिखाई देते हैं आप, एकदम कृष्ण। भाई साहब, अनुरुद्धाचार्य जो है ना, इनको जो है ना बच्चा लग। आपको हम देखते हैं तो एकदम सोचते हैं कि इतना बच्चा। पहले तो आप लोगों को चुतिया बनाते बनाते लग रहा है, अब आप लोगों को जो है ना वो अंधा ही बना दिया। इतना छोटे बच्चे, इतना बड़ा जिम्मेदारी। वाह रे भाई साहब, इसको ये बच्चा लग रहा है। अभी चुनाव चल रहा है, आप सब वोट वोट डाल रहे हैं कि नहीं? वोट डालिएगा, किसे जिता रहे हैं इस बार? मोदी। बस इस बार तो हम भारतीयों की जिम्मेदारी है कि जो राम को लेकर आए हैं, इस बार ऋण चुकाना है। अरे बाबा जी, सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि बीजेपी को वोट देना है, तो कुंची इतना घुमा फिरा कर रहे हैं कि जो राम को लेकर आए हैं, इस बार ऋण चुकाना है। भाई साहब, कह रहे हैं ना कि जो राम को लाया है हम उसको ही वोट देंगे, तो आप ही बताइए ना कि बीजेपी को राम लाया है या राम को बीजेपी लाया? मैं नहीं बताऊंगा। आपको लगता है मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? बड़े आरोप लगते हैं उन पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्यों नहीं किया ना? क्या लगता है आपको? आप तो समर्थक उनको समझते हैं, देश को बनाने में व्यस्त हैं। 12-13 साल, 10 साल में एक बार भी नहीं, समय नहीं मिला होगा, दिन रात काम करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ, करके नहीं दिखाता, कुछ भी नहीं करता। इसलिए ना भाई साहब, यही जो है ना देश को बना रहे प्रधानमंत्री जी, इसलिए जो है ना इसको टाइम नहीं मिल रहा है। जरा एक बार इनके लिए ताली मार दीजिए था। हाँ भाई साहब, अब मनीष के सेब के लिए थोड़ा गाली दे दीजिए था। भाई साहब, अभी हम जो अनभक्त को दिखाने जा रहे हैं, हमको तो नहीं लग रहा कि आप इससे पहले ऐसा अनभक्त को कभी देखे होंगे। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं भाई साहब, जरा एक बार देख लीजिए नजर। अरे रुको, और थोड़ा देखे था। बोल बोल, क्या करते हो आप? कर तो कुछ नहीं रहे, पढ़ाई करके बेरोजगार हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या बोला तूने? नहीं रहे, पढ़ाई करके बेरोजगार हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई तो सब कुछ बताओ, ऐसी कोई डिग्री नहीं जो हमारे पास होना। अच्छा, क्या क्या किया डिग्री, क्या क्या है? BTC, टेट क्वालिफाई, CTET क्वालिफाई, उसके बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। रोजगार घूम रहे हैं, भले ही कुछ नहीं है हमारे पास, हम ऐसे ही घूमते रहे जिंदगी भर, लेकिन योगी भक्त हैं। जय श्री राम। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, अपोलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे तो अंध भक्त क्या समझेंगे जानते हैं? अरे भाई, यही कहा गिरल हतनी देखा, अरे में तो खुशबू आवा था केसर कस्तूरी का, यह रोहत ताक के दो चम्मच मारू नहीं हंसा। और महंगाई हो जाए। अच्छा,
महंगाई है, सब कुछ है, यहाँ के सांसद जी कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। सांसद जी ने भी कुछ 5 साल में नहीं किया, नहीं किया, ये सत्य है, ये सत्य है, नहीं किया। लेकिन हम तो कह रहे और ना करे 5 साल, लेकिन हम अपनी दिली इच्छा से उन्हीं योगी जी को या मोदी जी को देख के बना रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, नहीं मान लीजिए जैसे कि 5 साल में कन्नौज में कोई काम। देखिए यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। क्या बोला तूने? मुसलमानों का बहुत दबाव है जो कि हम खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे धीरे से बोलिए ना, आवाज आ रहा है यहाँ पे, धीरे से बोलिए ना आवाज। यहाँ पे मुसलमानों का बहुत दबाव है। अच्छा, वो कैसे है? जो यहाँ के भू माफिया लोग हैं अब थोड़े बहुत डाउन हो गए हैं, नहीं तो। अच्छा, दिक्कत आपको दिल में मुसलमानों से है? बिल्कुल, मूल मुद्दा। हाँ, मूल मुद्दा मेरा वही है, समझ गया। आप ही बताइए कि इससे पहले आपने कभी एहसान भक्त देखा था? नहीं नहीं देखा था ना, तो भाई साहब जरा इनको भी देखिए लीजिए, उसमें मिला जुला है। 400 सीट 24 में आना ही आना। अच्छा, कितना है? कहाँ से? पूरे भारत में। सातवीं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कितना आना? उत्तर प्रदेश में 200+ रहेगा। जब आपको लोकसभा की सीटियां नहीं पता तो आप क्या बात करोगे? एक बात बताइए, लोकसभा की यूपी में कितनी सीटें? पता नहीं, लोकसभा की यूपी में 360 सीटें हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप बीजेपी में? जी जी, तो ठीक। तो आप जो है 400 सीट अगर बीजेपी को कह रहे हैं तो सही है, उस तरफ आप सही जा रहे हैं। सब कुछ है आप में, लेकिन जानकारी का अभाव है। गजब बेइज्जती है। जानकारी का अभाव है तो अभी मैं सीख रहा हूँ, सीखते सीखते मैं खुद आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छा। इतिहास का सबसे छोटा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा दोबारा। क्या बात कर रहे हैं मोदी जी, कि आप लोग के कुत्ता का सिर बना हुआ है। उसे भोंकने के लिए प्रसिद्ध है। 5 किलो अनाज कोरियन सबके चाहिए, जो रोड पर बैठ के गांजा फूंकता है, 2 रुपए के लिए ट्वीट करता है ना, उसको 5 किलो रहते हैं। भाई साहब जो कहते हैं ना कि इस बार मोदी 400 पार, उसके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए, जरा देख लीजिए। जो कुर्सी बेचने वाला आता है कि नहीं, तो वो गली गली घूमता है तो बोलता है कि 400 रुपए कुर्सी, और आखिरी में नहीं बिकती तो उसको 150 में बेच देता। तो इनकी हालत भी यही है, अभी 400 पार कर रहे हैं ना, ये 150 के नीचे रह जाएंगे। किस तरह से कांग्रेस के लोग भाजपा में आ रहे हैं, चुनाव के बाद भाजपा का नाम भांगरेस होगा। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिखों और दलितों को नागरिकता देने का भी विरोध। खैर भाई साहब, अभी तक मोदी जी का कमल गिर गया है, 4 जून को देखते हैं मोदी जी नीचे गिरते हैं कि नहीं गिरते, क्या कहते हैं भाई साहब? ठीक है, तो भाई साहब आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर सर्च करके भी आप लोग जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और अन भक्तों का वीडियो वहाँ पर सेंड करके बोल सकते हैं भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।